मैं प्रतिमा पांडे। रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल के द्वारा डॉक्टर्स डे व चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के अवसर पर सेवा अलंकरण सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। बताते चले कि 3 जुलाई रविवार को वाराणसी के होटल डायमंड में रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल द्वारा डॉक्टर्स डे व सीए डे के अवसर पर डॉक्टरों और चार्टर्ड अकाउंटेंट को रोटरी सेवा अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी, विशिष्ट अतिथि चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री नारायण खेमका, विशेष अतिथि सेवा सह मंडला अध्यक्ष अनिकेत चंद्र गुप्ता, क्लब अध्यक्ष मनोज जाजोदिया, क्लब सचिव अजीत मल्होत्रा, प्रोग्राम एडवाइजर जयप्रकाश मुद्रा, असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन अनिकेत गुप्ता आदि ने मंच की शोभा बढ़ाई। सम्मान समारोह में सम्मानित होने वाले डॉक्टरों में प्रमुख रूप से डॉक्टर अभिनव अग्रवाल, डॉक्टर अभिनव पांड्या, डॉक्टर अमित जैन, प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर अनुराग दीक्षित, डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता, डॉक्टर विनी सिंह, डॉक्टर गौरव गुप्ता, डॉक्टर मनीष चौधरी, डॉक्टर आरपी भाटिया, डॉक्टर ऋतु गर्ग, डॉक्टर संजीव अग्रवाल, डॉक्टर सौम्या गुप्ता, डॉक्टर विवेक कुमार, डॉक्टर संजय गर्ग, डॉक्टर निशु अग्रवाल, प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता सिंह, डॉक्टर अनंत गुप्ता, डॉक्टर अंजू जैन आदि रही। इसी कड़ी में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में सम्मानित होने वालों में अमित कपूर, अंजार आलम सिद्दीकी, अतुल सेठ, चंदन चौबे, जमुना शुक्ला, कमल कपूर, कौस्तुभ गर्ग, मनीष कपूर, मुकुल जायसवाल, ओम प्रकाश तुलस्यान, रवि कुमार सिंह, सत्यम अग्रवाल, शिशिर वाजपेयी, सज्जन कुमार, सोमदत्त रघु, शिशिर उपाध्याय, विजय शर्मा, विकास द्विवेदी, ऋतुपर्णा जायसवाल, जय वाधवानी, अजय जायसवाल आदि लोग रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर अमित कुमार सिंह एवं सीए शिशिर उपाध्याय ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन जयप्रकाश मुद्रा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दिनेश गर्ग, प्रदीप अग्रवाल, अनिल कुमार जाजोदिया, अविनाश मल्होत्रा, राजेंद्र मोहन शाह, ऋषभ चंद्र जैन, अजय गौतम आदि लोग शामिल रहे। इसका सेलिब्रेशन 1 जुलाई को होता है। आज यहाँ पर रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल की तरफ से यहाँ पे हुआ और सभी हमारे सम्मानित डॉक्टर्स को सम्मानित किया और उन्हें प्रोत्साहित किया। मैं रोटरी क्लब के सभी सदस्यों को पूर्णतः धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सोशल वर्क्स हमें मोटिवेट करेंगे, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे साथियों को और अच्छे काम करने के लिए और समाज के लिए कुछ करने के लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक आज का जो कार्यक्रम डॉक्टर्स और सीए का जो महत्व समझाया गया और उनको सम्मानित किया गया, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों कि अपने यहाँ हम लोग देख रहे हैं, जैसा बताया कि काया और माया, इन दोनों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर काया का रक्षा करते हैं और हम लोग माया की रक्षा करते हैं कि कैसे माया को बचाया जाए, कैसे माया का संपूर्ण उपयोग हो सके। ये इसके लिए ये बहुत बड़ा एक योगदान है आज के कार्यक्रम का कि हम लोग डॉक्टर्स और सीए को बड़ा उत्साह मिलता है इन सब के लिए, क्योंकि ये प्रेरणादायक हैं और इस तरह होने सम्मानित करने से हम लोग को प्रेरणा मिलती है, समाज में भी अच्छा संदेश जाता है और वो हम लोग की डॉक्टर्स और सीए की जो इज्जत समाज में है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। और हम लोग हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कि हम लोग को बहुत सपोर्ट है और बहुत सारे काम हम लोग करते हैं जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है। काम सीए डे इसलिए मनाते हैं कि 1949 में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट बना, यही हमारा उस दिन का रजिस्ट्रेशन हुआ और यही हमारा जन्मदिन है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। इसी के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे हमको हमारे क्लब के अंदर में काफ़ी संख्या में हमारे डॉक्टर्स हैं और काफ़ी संख्या में हमारे सीए भी हैं। हम उनका साल के अंदर में एक दिन उनका आता है तो हम उनका इसलिए आज की सभा में उनका हम स्वागत करते हैं और उनका हम आदर सम्मान और नमन करते हैं। आज इस स्वागत के अवसर पर आप काशी की जनता को क्या संदेश देंगे? काशी की जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमें एक जो नियम कानून कायदे जो डॉक्टर के से सिस्टम से चल रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए कोविड के पीरियड के अंदर में हमें बताया गया था कि मास्क पहनने के लिए, हाथ धोने के लिए और समय समय पर अपने को चेकअप कराने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि हेल्थ अगर हमारी रहती है तो यही सबसे बड़ी हमारी वेल्थ है। तो काशी की सारी जनताओं को मेरा संदेश है कि वो अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें और समय समय पर अपने जो भी उनके डॉक्टर्स हैं उनसे वो सलाह लेते हुए अपने लाइफ को जिए।
बनारस के लक्खी मेलों में शुमार। रथ यात्रा मेले पर क्राउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के रथ यात्रा चौराहे पर, जहाँ आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ तो भाई वीरभद्र और सुभद्रा के साथ विराजमान है। दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि आज रथ यात्रा मेले का आखिरी दिन है, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर भारी भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ है कि यहां पर तिल तक रखने की जगह नहीं है। आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्राउन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक